कम्युनिस्ट सरकार 1949 से अस्तित्व में है। चीन में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत नरसंहारों से हुई थी। 1948 से 1951 यानी 3 वर्षों में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी। ये सिलसिला कभी नहीं थमा। साल 1967 में 5000 लोगों को मार दिया गया। ऐसे ही 1979, 1994, 1998 और 2014 में भी नरसंहार हुए हैं। इन नरसंहारों में तियानमेन चौक की घटना कभी नहीं भुलाई जा सकती। आइए जानते हैं 4 जून 1989 को घटित हुआ तियानमेन चौक नरसंहार के बारे में विस्तार से। अप्रैल 1989 में रिफॉर्मिस्ट पार्टी के उपेक्षित नेता हु याओबांग की मौत पर गुस्साए छात्रों ने तियानमेन चौक पर कब्जा कर लिया था। वे एक पारदर्शी सरकार और अपने लिए ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार चाहते थे। इस नरसंहार को 4 जून की घटना के रूप में भी जाना जाता है, जो चीन के इतिहास में एक बड़ा धब्बा है। 4 जून 1989 में बीजिंग में मानव खून की नदियां बह रही थी। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने बीजिंग की सड़कों पर टैंक उतार दिए। कुछ ही घंटों में 10,000 लोगों की जान चली गई। इस घटना को तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1949 में माओ से तुंग ने तियानमेन चौक में लाल झंडा फहराकर कम्युनिस्ट सरकार बनाई। 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। 10 साल तक सांस्कृतिक क्रांति की आड़ में हजारों लोगों को मारा गया और लाखों लोगों को मारकर भगाया गया। माओ के मरने के साथ इसका अंत हुआ। नए राष्ट्र अध्यक्ष आने के बाद उनकी नीतियों की वजह से चीन में भ्रष्टाचार, वंशवाद, मुद्रास्फीति, महंगाई और नकदी की कमी काफी ज्यादा बढ़ गई। पूरे चीन में नौकरशाही हावी हो चुकी थी। नियंत्रण अधिक से अधिक नौकरशाहों के हाथ में था। लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। भारी संख्या में छात्र सरकार के विरोध के लिए तैयार थे। छात्रों को चीन में लोकतंत्र चाहिए था। बुद्धिजीवी वर्ग लोकतंत्र की मांग करते हुए सड़कों में आकर चीन सरकार की नाकामियों को बताने लगे, उसकी आलोचना करने लगे। फैंग लीजी नामक एक एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर ने खुलकर सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। इनके प्रभाव और लगातार बयानों के बाद ये इस आंदोलन की चिंगारी की शुरुआत हुई। ह्यू याओबांग ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव होते हुए छात्रों और बुद्धिजीवियों की मांग को जायज ठहराया। इसके बाद उन्हें बेइज्जत कर पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद पूरे चीन में छात्रों का गुस्सा चरम पर था। लोकतंत्र की मांग को अब वो छोड़ना नहीं चाहते थे। चीन के बड़े और मुख्य विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी इकट्ठा होने लगे। इसके बाद तियानमेन चौक में आकर प्रोटेस्ट करने लगे। सबसे अधिक पैकिंग विश्वविद्यालय के छात्र इस आंदोलन में शामिल थे और छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी शामिल थे। 16 से 20 अप्रैल तक लोकतंत्र के लिए हो रहे इस आंदोलन की आग पूरे चीन में फैल चुकी थी। 23 अप्रैल को बीजिंग स्टूडेंट्स ऑटोनॉमस फेडरेशन का गठन किया गया। सरकार और संगठन आमने सामने थे। कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध वाली अन्य गैर कम्युनिस्ट पार्टी इस आंदोलन के समर्थन में आ गई थी। 26 अप्रैल को पीपल्स डेली ने सभी आंदोलनकारियों को देशद्रोही करार दे दिया। 27 अप्रैल को तकरीबन 1,00,000 लोग तियानमेन चौक पर पहुंचते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतंत्र लाने से साफ इनकार कर दिया। आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। सरकारी नियंत्रण से बाहर हो चुका था। इसकी वजह से कम्युनिस्ट सरकार ने वहाँ मार्शल लॉ लगाने का निर्णय लिया। 20 मई को मार्शल लॉ लगा दिया गया। 3 जून की रात में चीनी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 35-36 लोग मारे गए। 4 जून सुबह 4 बजे निहत्ते शांति से मार्च कर रहे छात्रों, बच्चों, बुजुर्गों के लिए चीनी सरकार ने टैंक, लड़ाकू विमान और हथियार बंद जवानों को तियानमेन चौक पर तैनात कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों में मौतों की संख्या सिर्फ 300 बताई थी, लेकिन ब्रिटिश पुरालेख के अनुसार तियानमेन चौक में हुए इस नरसंहार में 10,000 से अधिक आम नागरिक मारे गए थे। इस नरसंहार की पूरी दुनिया में निंदा हुई। साल 1989 में हुई उस उथल पुथल का चीन में अब कोई जिक्र नहीं होता। सेंसरशिप और सुरक्षा संबंधित नियंत्रण ने तियानमेन चौक से संबंधित स्मृतियों पर कठोर अंकुश लगा रखा है।